हेलो, कैसे हो बच्चों? आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आप सीख चुके होंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमने बताया था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया था, लाइक ऑक्सीजन से यानी रिएक्शन विथ एयर क्या होता है, रिएक्शन विथ वाटर कैसे होता है, और ये भी सीख लिया था कि रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होता है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होता है। कुछ बेस के साथ भी, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन की बात की थी हमने। आज बात करते हैं कि एसिड के साथ हमने रिएक्शन की बात कर ली थी, बेस के साथ कर ली थी, सॉल्ट के साथ भी रिएक्शन होता है क्या? मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन होता है, और यस होता है, और वो किस तरह से होता है उसको आज सीखते हैं कि हाउ मेटल रिएक्ट विथ मेटल सॉल्ट। ठीक है, तो आइए सर सीखते हैं इसको। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट ये हमें करना है आज, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट। सो रिएक्शन ऑफ मेटल इन मेटल सॉल्ट विथ मेटल सॉल्ट, इन हमने इसलिए लिखा है कि मोल्टन स्टेज और सॉल्यूशन में होता है। सो ए रिएक्टिव मेटल मेटल कैन रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव, कंपैरेटिवली लेस, लेस का मतलब कंपैरेटिवली लेस, यू कैन से कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल, कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल मेटल कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल इन सॉल्यूशन, देयर सॉल्यूशन, इन देयर सॉल्यूशन लिखा है, ऑलरेडी सॉल्यूशन लिख रखा है, और इन मोल्टेन स्टेज, इवन इन मोल्टेन स्टेज। ठीक है, मेटल, सो फॉर एग्जांपल सिल्वर कॉपर के रिएक्शन कर देते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर नाइट, सॉल्यूशन में कॉपर रख दिया जाए तो ये बन जाता है कॉपर नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर जो है बाहर हो जाता है, यानी ये एक कटायन है जो सिल्वर को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि कॉपर रिएक्टिव ज्यादा होता है सिल्वर से, इसलिए ऐसा बन जाता है और सिल्वर बाहर निकल जाता है। अब इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे नाइट्रेट दो है, यहाँ पे दो है, तो इधर दो से मल्टीप्लाई कर दो, दो सिल्वर हो गए तो इधर दो सिल्वर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया, ये था सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, और ये हो गया कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। तो इस तरीके से ये सिल्वर बाहर हो गया, यहाँ कॉपर बाहर था। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट में था, ये एक्वस स्टेट में था, ये एक्वस बन गया और ये सॉलिड, इसका घोल बन गया, ये सॉलिड बाहर हो गया, तो इस तरीके से ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को के कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि कॉपर की रिएक्टिविटी जो है वो सिल्वर की रिएक्टिविटी से ज्यादा है, जिस तरह से ज्यादा ताकतवर आदमी कम ताकत वाले आदमी को रिप्लेस कर देता है, उसी तरह से यहाँ पर भी जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो ये बात आपको समझने वाली है ना। इसी तरह से और भी रिएक्शन हो सकते हैं, लाइक हम बात करें तो इस चीज को इस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं, ये क्या था, ये पहले ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, और इसमें ये
नेल डाल दी गई है आयरन की, तो ये हो गया आयरन। आयरन अब ये डालने के बाद, थोड़ी देर बाद डालने के बाद देखोगे कि इसमें जो है एक लेयर जम गया कॉपर वायर के ऊपर। जो आयरन का वायर था वो कॉपर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उस पे कॉपर का लेयर जम गया है, पूरी तरह से कॉपर वायर हो गया, और वो जम के कॉपर वायर हो गया और आयरन जो है वो इसमें हो गया। तो ये हो गया आयरन सल्फेट FeSO4। ठीक है, आयरन सल्फेट पहला सल्फेट हो गया और ये कॉपर वायर निकल गया। मतलब इस एक्सपेरिमेंट को भी हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, Fe+USO4 कॉपर सल्फेट, ये हो जाएगा FeSO4+CO। तो यहाँ पे कॉपर बाहर हो गया, यहाँ पे आयरन था। बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं जो आयरन की नेल थी उस पे कॉपर जो है थोड़े से आकर के एक लेयर बन गया है, प्योरली कॉपर वायर हो गया। कॉपर पे पूरी तरह से कॉपर वायर तो नहीं है, क्योंकि वो रखने के लिए पूरा लंबे समय तक, जितना लंबा समय तक रखेंगे उतना ज्यादा इस पे कॉपर डिपोजिट होता जाएगा, और हो सकता है कि एक समय आए कि पूरी की पूरी जो आयरन है वो पिघल के कॉपर वायर में ही कन्वर्ट हो जाए। डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन किस लेवल पे है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आप देख रहे हैं कि मेटल अगर किसी दूसरे मेटल सॉल्ट से साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है, अपने से जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देता है या रिप्लेस कर देता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया है, तो आप कह सकते हैं कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। अभी पीछे देखा था कि कॉपर की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा थी, सिल्वर से ज्यादा थी। तो इस तरह से एक ऑर्डर बन रहा है, इस ऑर्डर को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, कि मेटल कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, एक ऑर्डर बन जाएगा इस तरह का, और उसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक होती है जिसको आपको जानना चाहिए कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। आइए इसको देखते हैं। तो आप इसे रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो होता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद बारी आती है सोडियम की, सोडियम के बाद बारी आती है कैल्शियम की, है ना। इस तरीके फिर मैग्नीशियम की बात आती है, ठीक है, फिर एल्युमिनियम की बात आती है, फिर जिंक की बात आती है ना, फिर आयरन की बात आती है, फिर टीन की बात आती है, फिर लेड की बात आती है ना। तो ये सब जो है एक रिएक्टिविटी सीरीज, ये सब की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो ये सब के सब जो है इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, मोर रिएक्टिव रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव भी है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स भी है, और वो कौन से हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड Ag, है ना। तो ये जो है ये सब ये लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये सब जो है ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव, तो इसको कहेंगे लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब इसको आप याद कर सकते हैं, याद कैसे करोगे, कोई आप म्यूजिक, कोई गाना, कोई अल्फाबेट्स कुछ भी बना लो और उस हिसाब से आप याद रख सकते हो, ये सब जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये सब जो है कम रिएक्टिव है, ये याद ही करना पड़ता है, ठीक है ना, ये याद ही करना पड़ता है। चाहे जैसे याद करो आप देखेंगे ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो आपको दिमाग में होना चाहिए, है ना। ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव चार एलिमेंट्स हैं और ये बाकी के जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव। इसका मतलब अगर सोडियम और कैल्शियम में रिएक्शन होगी, कैल्शियम के सॉल्ट में और सोडियम में, तो सोडियम कैल्शियम को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। कैल्शियम मैग्नीशियम वाले के सॉल्ट के साथ रिएक्शन होगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम को कहीं भी रिप्लेस कर देगा। तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स बनेंगे और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के कंपाउंड है उनका कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये लेस रिएक्टिविटी, इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं, इसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी
सीरीज, ठीक है ना। आप इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं जैसे चाहे, ठीक है ना। सबसे ऊपर पोटेशियम, उसके नीचे सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टीन। ये टीन है, ये लेड है, बीबी है ना। सबका सिंबल तो मालूम ही होगा। यह है कॉपर, यह है मरकरी, यह है सिल्वर और यह है गोल्ड। तो इस तरीके से गोल्ड जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए गोल्ड के ऑर्नामेंट पहनते हैं और काफी दिनों तक वो ऐसे ही के वैसे ही रहता है, उसकी चमक कम नहीं होती। बहुत सालों बाद जाकर के उसकी चमक थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसमें डस्ट और कुछ ऐसे पार्टिकल्स रिएक्ट करके जमा हो जाते हैं एटमोसफेयर से, तो इसलिए उसको सब वगैरह करना पड़ता है, अदरवाइज ठीक है। जबकि बाकी सब है कॉपर का, आप कॉपर के बर्तन में थोड़ा सा भी कुछ रख दीजिए तो वो कंपेरेटिवली जो ग्रीनिश कलर का हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड उसमें बन जाता है। तो इस तरीके का ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। तो ये दोनों ही बातें आपके लिए जरूरी है ना, तो इसको याद रखेंगे, ओके। उसके बाद क्या मेटल नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ, चाहे रिएक्शन ऑफ पूरा लिख ले, रिएक्शन ऑफ मेटल मेटल्स विद नॉन मेटल। तो आप इनकी कैरेक्टर पे जाए, मेटल क्या करते हैं? दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड दे आर इलेक्ट्रो निगेटिव। मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो निगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इनके साथ रिएक्शन होता है तो बन जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये बन जाता है, ये सोडियम है और ये है क्लोरीन, और इनके बीच में रिएक्शन होकर के बन जाता है सोडियम क्लोराइड। असलियत में होता क्या है, सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है रिएक्शन के दौरान, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोडियम बन जाता है Na++1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ये क्लोरीन रिएक्शन के दौरान क्या होता है, क्लोरीन में एक रिएक्शन में एक चुकी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो क्लोरीन में क्लोरीन प्लस वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्लोरीन प्लस वन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो क्लोरीन निगेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अंदर की बात क्या है, ये समझते हैं कि अंदर में क्या हुआ इनफैक्ट। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7 है। जैसा कि मैंने बताया है कि हर एक एटम रिएक्शन के दौरान जब कोई कंपाउंड बनता है तो एटम अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी चाहने का मतलब यह है कि वो ऐसे के साथ रिएक्शन करता है, ऐसे एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है जो इनके लिए कंफर्टेबल हो, यानी इनकी जरूरत को पूरी करे। और जरूरत को पूरी करने का मतलब क्या है कि इनको क्या जरूरत है, इनको जरूरत है ऑक्टेट पूरा करना, तो ऑक्टेट इनका फुलफिल हो, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ऐसा रिएक्शन करने से सोडियम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2, 8, Na+ बनता है और Na+ में इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है कुछ इस तरह का। मान लीजिए कि यहाँ लिख देता हूँ, Na+ जब बनेगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, और Cl- जब बनेगा तब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8, 8, 2, 8, 8। तो इसका मतलब है कि दोनों के ऑक्टेट पूरा हो गए, इनके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इनके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन का बेसिकली ट्रांसफर होता है और एक कंपाउंड बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किधर से किधर, मेटल से नॉन मेटल की तरफ, ठीक है, तो एक कंपाउंड बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो
उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होगा मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है ना, मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। और ये इस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, उसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कुछ लोग बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट इसलिए बोलते हैं कि इनकी वैलेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के बाद ऑक्टेट पूरा कर लेती है, और वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ट्रांसफर हो रही है, तो इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और इसीलिए चूंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया है, तो इसकी वैलेंसी हम मानते हैं 1, जो लूज करने लायक इलेक्ट्रॉन है, यानी 1+। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कर रहा है, तो इसको हम 1- कहते हैं। तो ये कटायन बनाता है, ये एनायन बनाता है ना। तो इस तरीके का जो भी कोई कंपाउंड बनता है उसमें एक पार्ट होता है कटायन का और दूसरा पार्ट होता है एनायन का। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या कंपाउंड या मॉलिक्यूल होता है या एटम होता है, और दूसरा जो है नेगेटिवली एटम होता है, चार्ज एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है। तो इस तरीके से एक कंपाउंड बनता है। आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको कहते हैं हम आयोनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। तो हम अब बात कर रहे हैं आयोनिक कंपाउंड की, आयोनिक कंपाउंड की। यही है आयोनिक कंपाउंड। द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म फ्रॉम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बनता है आयोनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो इस तरीके के जैसे ये एग्जांपल दिया हमने कि Na+Cl=NaCl, तो NaCl को कहेंगे ये है आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, इसको हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। आइए एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये सीखते हैं कि क्या होता है, कैसे रिएक्शन करता है। और करता है तो ये आयोनिक कंपाउंड कोई सॉल्ट है, इसको हम एक सॉल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्ट हो गया, ये सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट को आप एक स्पेटुला जो होता है उस पे यहाँ पे रख दिया, स्पेटुला होता है, ये हैंडल है इसका, इस पे सैंपल रख के और इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करें एक स्पिरिट लैम्प पे बर्नर के जरिए, और इसको ले जा करके आप डिजोल्व करें वाटर में, पेट्रोल में एंड किरोसिन में, अलग अलग चीजों में आप इसे रखें। जैसे मान लीजिए कि वाटर में हमने यहाँ कर दिया डिजोल्व, और उस हीट किया था जिस सॉल्ट को, उसको हमने इसमें डाल दिया, यहाँ वाटर है डाल दिया, तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसमें ये दो ग्रेफाइट की रॉड डाल दिया, तो दो रॉड डाल दिया और इसको वायर से जोड़ दिया, यहाँ ये बैटरी हो गई और ये बल्ब लगा दिया यहाँ पे और स्विच लगा दिया। जब इसको आप देखेंगे कि ये बल्ब जो है स्विच को ऑन करने के बाद ग्लो होता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे आप कोई सॉल्ट सॉल्यूशन जो रखा था आपने, जो इसमें डिजोल्व किया था, वो Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया था, हीट करने की वजह से वो Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया था, और ब्रेक होने के बाद इसमें डिजोल्व हो गया, तो एक जो है वो कटायंस बन गया और एक जो एनायंस बन गया, तो दो डिफरेंट चार्जेज के इलेक्ट्रोड्स बन गए, और करंट जो है इसमें से ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज दोनों अलग अलग चार्ज के हैं, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने की वजह से ये बल्ब जल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम या तो ये बैटरी रख के भी करें, और नहीं तो हमने पहले से गर्म करके इसको डाला है तब भी ये हो जाएगा। और बैटरी रख के आप दो इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे, तो इस बैटरी की वजह से जो हम हीट करने वाली काम कर रहे हैं वो ये बैटरी कर देगा, और इस प्रोसेस की वजह से इसको मैं जो NaCl का जो सॉल्ट है उसमें ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl- में, और ये सॉल्यूशन जो होगा वो चार्ज कैरियर के रूप में काम करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं, वही तो चार्ज कैरी करते हैं,
तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब दूसरी बात आ गई कि अगर हमने इसको पेट्रोल में डाला या किरोसिन में डाला तो क्या हुआ। अगर इसी साल्ट सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जो साल्ट को गर्म किया और उसको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डालें यानी पेट्रोल और किरोसिन में डालें, ये डिजोल्व नहीं होगा। और डिजोल्व होगा मतलब इतने आयोनाइज नहीं होगा और वहां पे जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा ढंग से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर हम गर्म करते हैं और गर्म करके और उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए ये कटायंस और एनायंस में कन्वर्ट हो जाता है और ये चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं, चार्ज आयंस हो जाते हैं और इसमें चार्ज भी ट्रांसफर होता है तो चार्ज कैरियर के रूप में काम करता है। लेकिन क्या कॉमन सॉल्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी लगा दे दो वायर और कॉमन सॉल्ट में तो क्या बल्ब जलने लग जाएगा, या स्विच या बैटरी लगा दे तो बल्ब जलने लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कॉमन सॉल्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन उसका इक्वस सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उसके कटायंस और एनायंस में ब्रेक हो जाता है और चार्ज कैरियर वहां से डेवलप हो जाते हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट उसको हम अगर एक सॉल्यूशन करते हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोनिक कंपाउंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ। और एक तरह एक और एग्जांपल आप चाहें तो ऐसा ले सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ये कैल्शियम है, कैल्शियम और ऑक्साइड का रिएक्शन किया ऑक्सीजन का, तो ये बन गया CuO, CaO। कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो ये बन गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या होता है इस रिएक्शन में, देखिए कैल्शियम जो है एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2882, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। इसको 2 की जरूरत है और ये 2 लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसलिए 2 प्लस चार्ज हो गया, और ये चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसलिए -2 चार्ज हो गया। तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन तब 288 हो जाएगा। ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्जेज हो जाते हैं इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 8। तो ओ माइनस माइनस कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग माइनस माइनस न लिख करके क्या लिख देते हैं, 2 माइनस 2 माइनस, यानी 2 निगेटिव चार्ज है। तो दोनों ही तरीके प्रचलन में है, आप जो चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये भी क्या बना है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। कौन किसको ट्रांसफर किया है जी, कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर किया है। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए हैं और बन गया है क्या, CaO। ये एक कैल्शियम की बात। अब इसमें 2 कैल्शियम है, 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे होंगे और बन गया है 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है और इस तरीके से ये बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोनिक कंपाउंड के भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे जिसे हमें सीखना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड थोड़ा सा ये हम जैसे समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड नोट कर लीजिए आप लोग भी, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, ये सब कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ये हम जानने की अब कोशिश करें। तो पहली बात हो गई कि आयोनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर कैसा होता है, फिजिकल नेचर। तो ये जो होता है, नमक तो आपने देखा है, देखा है ना, नमक कैसा होता है, रवादार होता है। रवादार का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कहेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं।
आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और ऐसा क्यों होता है, या अगर सॉलिड भी होता है तो उसको अगर ब्रेक करोगे तो बुरादे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है, दिस इज बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड बनने के लिए तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, निगेटिव आयंस। ठीक है, तो चूंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होती है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और या सॉलिड होता है, सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होते हैं, एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए, तो हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हाई एनर्जी का मतलब, आप हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगी, इसका मतलब इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर जनरली हाई। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, पॉइंट्स आर हायर, हायर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर। व्हाई? सो इट मींस दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक, ब्रेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है ना, उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, वैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो इनके बीच में, या आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है ना, दैट इज, ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो इसलिए इसका जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हायर है। तीसरी बात जो अभी आपने ऑब्जर्व की है, क्या ऑब्जर्व की है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं वाटर। आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, वेल इन वाटर, बट इनसोल्यूबल इन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब दैट इज पेट्रोल, केरोसिन, केरोसिन, ईथर, है ना, बेंजीन सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस, सॉल्वेंट, ठीक है ना, एटसेट्रा। इन सब में जो होता है, इस सब में सॉल्युबल नहीं होता। चौथा, जो अभी आपने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, क्या, कंडक्टर ऑफ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड आर, कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इन क्या, नॉट सॉलिड बट इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेज, मोल्टेन स्टेज, ठीक है ना, सो नॉट इन सॉलिड फॉर्म बट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेज।
तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आयोनिक कंपाउंड के होते हैं। अभी एक्सपेरिमेंटली आपने देख लिया है इनमें से कुछ को, ठीक है ना। तो आयोनिक कंपाउंड के बारे में ये तीन चार जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखना चाहिए, है ना। इसमें ये कंपाउंड बनते कैसे हैं, तो ये कंपाउंड बनते हैं कैसे बनते हैं बच्चों, ये कंपाउंड बनते हैं इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से। और एक जो पॉजिटिव मेटल्स होता है वो कंप्लीट ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स किसमें, नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में ये आयोनिक कंपाउंड होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल मेटल्स, ठीक है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पहले कर लिया था, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इसमें लशरस कम होता है, इसमें बाकी चीजें भी डिफाइन किया था। ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की, जो आप इस तरह से देख सकते हैं, मैं पहले लिखवा दिया है कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज कैसी है। सोडियम सबसे पहले ऊपर हमने क्या रखा था, पोटेशियम था, तो पोटेशियम ये है, ये सोडियम, ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम लिखवा रखा था। ये सब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जिंक फेरस ये सब जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और नीचे वाले जो हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से, लेड कॉपर सिल्वर और गोल्ड ये सब है कम रिएक्टिव होता है। अब इस पे भी बात करेंगे थोड़ा सा, थोड़ा पहले इसकी क्या ये क्यों लिखा हुआ है और इसका क्या मतलब है इस पे हम बात करेंगे। पहले नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज सीखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, पहला क्या है, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यही हम करते थे पहले भी, क्या है रिएक्शन ऑफ विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन क्या होता है कि सम नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म देयर एसिडिक ऑक्साइड्स। सम मेटल्स नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड लाइक एग्जाम्पल के तौर पे CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 एक्सेट्रा। इस तरीके के कुछ एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, और ये एसिडिक ऑक्साइड को अगर हम डिजोल्व कर दें वाटर में तो इनके अलग रूप देखने को मिलते हैं, ये एसिड बन जाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड है ही है, अगर इसे वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, जैसे CO2 + H2O, ठीक है। ये रिएक्शन करके क्या बनेगा, H2CO3, H2CO3। अब ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का ये फॉर्मूला H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड हो जाता है। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको अगर रिएक्ट कराएं, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ही रिएक्ट कराएं, तो ये बन जाता है H2SO3, SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड कहलाता है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के ये बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड जो है, ये अगर वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है तो ये एक एसिड बनाता है। तो पहला चीज ये कि नॉन मेटल्स के खुद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, और अगर इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए तो ये बन जाता है एसिड, ठीक है। वैसे कुछ जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ना होकर के न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, H2O, ये है N2O,
ये भी है न्यूट्रल ऑक्साइड, तो न्यूट्रल ऑक्साइड का क्या मतलब हुआ कि ना तो ये एसिडिक है और ना बेसिक है, ये एक न्यूट्रल है, जैसे पानी है, पानी का टेस्ट कोई एसिड की तरह तो लगता नहीं है, तो ये सब है वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, ये याद रख सकते हैं, आपके आने वाले समय में काम आ सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको हम एक बॉक्स बना देते हैं, ये अंडरलाइन कर देते हैं हाईलाइटर से ताकि आप इसे याद रखें, ठीक है। तो जब रिएक्शन की बात की थी तो हमने यही बात की थी कि कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद हम कहेंगे कि कैसे कोई चीज रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं कि वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन विद वाटर यहाँ लिख देता हूँ, रिएक्शन विद वाटर, विद वाटर, तो वाटर में क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, विद वाटर, क्यों, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, और वाटर में हाइड्रोजन जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हाइड्रोजन ही है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हाइड्रोजन भी वैसे तो नॉन मेटल ही है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है वाटर में जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती है, क्यों नहीं दे सकता, वापस वाले क्यों नहीं दे सकता, इसलिए कि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देते तब बनता, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को नहीं दे सकते, तो इसका मतलब है कि नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को नहीं दे सकते इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी और हाइड्रोजन जो है वो भी नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इसलिए ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। अब तीसरा जो चीज हम सीखते थे वो क्या सीखते थे कि रिएक्शन विद एसिड, तो रिएक्शन विद एसिड, एसिड्स, ठीक है, तो नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, तो जवाब यहाँ भी वही है कि एसिड के साथ भी नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता क्योंकि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है, तो एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता क्योंकि एसिड में भी एक कटायंस और एक एनायंस होते हैं, और यहाँ पे जो एसिड के दो पार्ट होते हैं नॉन मेटल्स में खुद इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले को रिप्लेस नहीं कर पाते, इसलिए क्या है कि यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है ना। मेटल का रिएक्शन होता था एसिड के साथ तो क्या होता था, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी, और हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज होती थी, क्योंकि हाइड्रोजन उस एसिड के कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिलीज हो जाता था और उसके जो दूसरे कंपाउंड है वो मेटल के साथ अटैच हो जाते थे, तो जो दूसरे कंपाउंड थे वो निगेटिवली चार्ज होते थे और हाइड्रोजन उसमें पॉजिटिवली चार्ज होता था, ठीक है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता तो वो निकल के बाहर हो जाता था और जो मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज होते थे उनके साथ, इनका जो एसिड का निगेटिवली चार्ज पार्टिकल था वो उसके साथ अटैच हो जाता था, लेकिन यहाँ एसिड का जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो नॉन मेटल जो खुद एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, दोनों निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना पाते, इसमें एक कटायंस और एक एनायंस का होना जरूरी है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, दो लोग देने ही वाले हो तो लेने वाला भी तो एक चाहिए, ठीक है ना, तो अगर लेने वाला नहीं है सब देने ही वाले लोग हैं तो कोई इसमें एसोसिएशन बनेगी नहीं, कोई कंपाउंड बनेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी हो सकता है क्या, क्या इसमें भी रिएक्टिविटी जैसी कोई चीज होती है और एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, यस कर सकता है बट बहुत स्लो प्रोसेस है, जैसे हम कहें कि सोडियम ब्रोमाइड ये है Br, इसमें अगर हम क्लोरीन गैस जो है क्लोरीन गैस इसमें फ्लो करें और तो क्या बन जाएगा, तो ऐसा करने से ये बन जाएगा इसमें से सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और ब्रोमीन जो है वो बाहर हो जाएगा, Br2 बन जाएगा, NaCl plus Br2, अब यहाँ दो ब्रोमीन है तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दो,
एन ए बी आर, यहाँ ब्रोमीन दो है तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर में क्लोरीन दो है सोडियम दो है तो इधर भी दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बैलेंस हो गया। इसको हम कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे भी मेटल का ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन जो है ब्रोमीन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रो जैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता था उसको रिप्लेस कर देता था, वैसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो ज्यादा निगेटिव जो होगा, निगेटिविटी होगी जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी वो ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे कोई भिखारी है और कोई बहुत ज्यादा उससे भी भिखारी से भी गया गुजरा है तो वो ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा, वैसे ही यहाँ पे भी है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की सीरीज होती थी रिएक्टिविटी की, वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की भी सीरीज होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है। इस शब्द को कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, निगेटिविटी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी होती है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले पार्टिकल को रिप्लेस कर देगा। तो ब्रोमीन भी था और क्लोरीन भी है, लेकिन जो ब्रोमीन से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसलिए वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नॉन मेटल में होता है, ये नहीं एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा सा ये ज्यादा है आपके सिलेबस के हिसाब से, लेकिन इतनी जानकारी होनी चाहिए। स्कूल में भी तो इज्जत अपनी बनानी है, रिपो बनानी है कि नहीं बनानी, तो थोड़ा सा ज्यादा जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। बाकी नॉन मेटल्स यूजुअली आपस में जो है कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, नॉन मेटल्स नॉन मेटल के साथ कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ बनता है, जैसे ये बन जाता है Cl2, O2, Br2, H2, ये सब कंपाउंड है, दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, आगे इसको बताया जाएगा। वैसे इन फिलहाल ये बता देता हूँ कि जैसे क्लोरीन है इसका 17 है तो 2, 8 और 7 इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन भी क्या करता है कि अपने ही जैसे क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन की, और इस तरीके से ये बन जाता है, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की इनके बीच में शेयरिंग हुई है तो एक बॉन्ड बन जाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसको कहते हैं, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इसलिए इसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कंपाउंड बन जाता है, हमारा मॉलिक्यूल बन जाता है Cl2, या कंपाउंड क्लोरीन बन जाता है। तो ये क्लोरीन जो बनता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, बट इनका कहने का मतलब है कि जब आपको जरूरत हो तो आप ले लो, हमें जब जरूरत होगी तो हम ले लेंगे इस इलेक्ट्रॉन को। 8 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ऐसे इन सब के बीच में भी बॉन्ड बनता है। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, इसका मतलब नॉन मेटल्स कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और जो मेटल्स हैं नॉन मेटल के साथ वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मेटल मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता, मेटल किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकता है, और लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम नॉन मेटल की नॉन मेटल के साथ बात करते हैं, और नॉन मेटल की नॉन मेटल के साथ जब होगा तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो दूसरे उससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और आपस में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है आगे आप सीखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। जैसे हाइड्रोजन ही, हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक ही है तो एक ही हाइड्रोजन है उसके पास, एक ही है, इनको डुएट चाहिए तो ये भी दो और ये भी दो बनाते हैं, तो इनके बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और नतीजा क्या हुआ कि एक बन गया मॉलिक्यूल H2।
इसी तरह से ऑक्सीजन की बात कर ले तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 5, 6 ये लिख दिया। दूसरा ऑक्सीजन एटम के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गए 2, 4, 6। अब ये देखिए इनके ऑक्टेट पूरा हो गए 8, 2, 2, 4, 6, 2, 8, 8 हो गए। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इनके बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और कंपाउंड बन गया O2। तो इसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आगे अभी आएगा ये चैप्टर, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा और उसके बाद कार्बन एंड कंपाउंड में आएगा। फिलहाल हम ये बता देते हैं इसको कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो बना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो बना डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग कर लेते हैं और उस स्थिति में बन जाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे N2। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 5 होता है, मतलब एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 2 और 5 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस नाइट्रोजन के भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी शेयरिंग होती है तीन तीन इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसलिए जो कंपाउंड बनता है उसमें तीन बॉन्ड बनते हैं, तीन तीन इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड भी जो होगा वो तीन तरह के हो गए, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है ना, समझ आ रही बात। तो इसका मतलब है कि नॉन मेटल्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और मेटल्स जो हैं वो नॉन मेटल के साथ मिलकर के इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको इजिली याद रखनी चाहिए। अब बात आती है कि ये जो रिएक्शन, ऊपर एक सीरीज आपने देखा था, वो सीरीज का क्या मतलब। तो ऊपर जो सीरीज आपने देखा था वो बेसिकली एक्सट्रैक्शन के लिए, कि कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन से प्रोसेस लगाना चाहिए, इसके संबंध में वो लिखा गया है। आगे आने वाले समय में हम बताएंगे, जैसे इसमें रिडक्शन के इस्तेमाल से इसको प्योरिफिकेशन करना है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से करना है, तो ये हम बताएंगे। बट रिएक्टिविटी भी आपको हमने लिखवा रखा है, उस रिएक्टिविटी को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। और ये कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जो कि ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा होता है उनका, जैसे आप नियोन ले लीजिए, नियोन ड्यूएट, या उनका ऑक्टेट पूरा होता है, तो उनको हम नोबल गैस कहते हैं, ठीक है ना। नोबल गैस नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है ना, हीलियम है, तो ये सब जो है ये सब नोबल गैस कहे जाते हैं। इनका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा होता है, ये इनको न लेना है किसी से न किसी को देना है, तो लेने देने में विश्वास नहीं रखते, इसलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। जिसको लेना देना होगा वही तो पार्टिसिपेट करेगा, न तो इनको लेने की जरूरत है न देने की जरूरत है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते और ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा होता है, ठीक है। बात समझ आ गई इतनी सी। तो रिएक्टिविटी सीरीज इसमें याद रखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स याद रखना है, आयोनिक कंपाउंड हमने बताया उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बताया, वो याद रखना है। कोवेलेंट की करेक्टरिस्टिक्स आप सोचेंगे कि क्यों नहीं बता रहे हैं, कोवेलेंट की करेक्टरिस्टिक्स आपके सिलेबस के बाहर की है। कोवेलेंट बॉन्ड वैसे वीक होते हैं, जैसे कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा वीक है, अनस्टेबल कंपाउंड कहलाता है, जल्दी से ब्रेक हो जाता है। जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है उसके मुकाबले तो स्ट्रांग है, लेकिन ये भी वीक ही होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, बट इलेक्ट्रोवेलेंट के मुकाबले ये भी कमजोर ही होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोवेलेंट इतना स्ट्रांग नहीं होते, वीक होते हैं, और वीक होते हैं तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, इसको तोड़ने के लिए कम ही एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। इसमें कम ही एनर्जी लगाओगे तो पहले ही से अनस्टेबल है, जैसे दो आदमी के बीच में मनमुटाव पहले से चल रहा है और उनमें झगड़ा लगाना है, तो थोड़ी सी ही कोई कनाफुसी कर दे थोड़ी सी तो उनमें झगड़ा हो जाएगा, तो ऐसे बात है। तो इसलिए कम स्टेबल होते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट के मुकाबले, और जैसे जैसे इनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बढ़ती जाती है
वैसे वैसे ये और ज्यादा वीक होते जाते हैं। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो ज्यादा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ज्यादा वीक होगा ये मॉलिक्यूल। ये जैसे ही मौका मिलेगा कोई दूसरे के साथ शेयर करने का, ये ब्रेक हो जाएगा इनका बॉन्ड। और इनकी बॉन्डिंग जो है, जब बहुत ज्यादा चीजों की शेयरिंग होती है तो वहाँ टूटने का रिश्ता बहुत प्रगाढ़ हो, वहां पे टूटने का गुंजाइश ज्यादा रहता है। तो इस तरीके से आपको समझना है। ये समझ लीजिए, अगर छोटी सी बात बता दूं कि मान लो कि जैसे ये कहा जाए ऑक्टेट क्यों पूरा करना चाहते हैं। ऑक्टेट इसलिए पूरा करना चाहते हैं कि ऑक्टेट पूरा करने पर उसको स्टेबिलिटी मिलती है, और यहाँ ऑक्टेट नहीं है तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी के पास, आपके किसी रिश्तेदार के पास मान लीजिए कि 7 गाड़ियां हैं, और जिसके पास ये मान लिया जाए कि सोसाइटी में जिसके पास 8 गाड़ियां होगी वो आदमी रईस कहा जाएगा, है ना। तो जिसके पास 7 गाड़ी, आपके एक पास एक एक्स्ट्रा गाड़ी है, आपके रिश्तेदार के पास एक कम है, तो आप क्या कहेंगे, ले लो भाई मेरा ले लो, तुम भी 8 कर लो, हमारे पास भी 8 हो जाएंगे। तो आपने पूरी की पूरी गाड़ी ही उसे दे दी, ठीक है। और ऐसे भी लोग होंगे जैसे कि पड़ोसी हैं दो, और आप ही का भाई कोई है, आपके घर में 14 गाड़ियां थी, उससे लग गई और 7-7 गाड़ियां दोनों के पास हो गई। अब दोनों की मार्केट में इज्जत कम हो गई, क्यों, क्योंकि दोनों के पास 7-7 ही है। तो आपने अपने उस भाई से, दोस्त से, रिश्तेदार से समझौता किया कि भाई जब तेरे यहाँ कोई पूछने आएगा तो मेरी एक गाड़ी को दिखा देना अपना, और बोलना कि मेरे पास 8 है, हमारे यहाँ एक रिश्तेदार जब आएंगे तो मैं तुम्हारी गाड़ी को ऐसी जगह बीच में पार्क करेंगे कि हम उसे दिखा देंगे कि हमारे हमारी है, ठीक है ना। दोनों के बीच में जो गली है उसमें एक एक गाड़ियां पार्क करेंगे, एक तुम अपनी भी पार्क कर देना, एक हम भी पार्क कर देंगे, और दोनों तरफ हमने दो दो गाड़ियां पार्क कर रखी है। कहेंगे देखिए घर के चारों तरफ मेरी दो दो गाड़ियां हैं, इधर भी दो, इधर भी दो, इधर भी दो, इधर भी दो, चाहे ऐसे कुछ। तो इस तरीके से हमारी और तुम्हारी जो है वो बात बन जाएगी। तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब क्लोरीन ने एक एक की शेयरिंग कर ली इस तरीके से, और क्लोरीन ने दिखा दिया कि भाई ऐसा है, देखो कि हम दो गाड़ियां इधर, दो गाड़ियां इधर, दो गाड़ियां इधर, दो गाड़ियां इधर, इसके यहाँ रिश्तेदार है, इन्होंने कहा देखो हमारे घर के चारों तरफ दो दो गाड़ियां हैं, इसके यहाँ रिश्तेदार है, तो इसने कहा कि हाँ हमारे घर के भी देखो दो दो गाड़ियां हैं, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, और ये भी मेरी है। तो जब इनको जरूरत थी इन दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, जब इनको जरूरत थी इन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर लिया, तो दो दो इलेक्ट्रॉन की इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ऐसा कहेंगे कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। जब क्लोरीन ने ऐसा किया तो ऑक्सीजन को भी क्लू मिला कि भाई हम लोग क्यों नहीं कर सकते, हम लोग दो दो की शेयरिंग कर लेंगे। तो इन्होंने दो दो की शेयरिंग कर ली, और दो दो की शेयरिंग कर ली तो क्या हुआ कि दो दो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। जब ये दो दो की कर लिए तो नाइट्रोजन कहा कि हम तीन तीन की क्यों नहीं कर सकते, तो इन्होंने अपनी तीन तीन गाड़ियों की शेयरिंग कर ली। लेकिन ये है कि इसमें फंडा जो सीक्रेसी है वो टूटने का, जो सीक्रेट है वो रिवील होने का ज्यादा खतरा है। कोई भी सोचेगा कि भाई इधर एक दो गाड़ियां, इधर 6 गाड़ियां, ऐसा क्या है, चाहे कुछ भी। तो इस तरीके से ये लेस जो स्टेबल होते हैं ये उसके मुकाबले ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ये सिंगल कोवेलेंट वाले भी और भी ज्यादा होते हैं। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो कौन होता है, आयोनिक कंपाउंड, क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमने बता दी, आप इसको अच्छी तरह से याद कर ले। उसके बाद अगले दिन हम और के बारे में पढ़ेंगे, और क्या होता है, तो जिसमें इम्प्यूरिटीज होती है, जिससे हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम और कहते हैं। तो और उस मेटल कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं वो सारी प्रोसेस हम सीखेंगे। एक चीज और बता देता हूँ थोड़ा सा, एक्वारेजिया, ये एक सॉल्यूशन होता है एक्वारेजिया, जो दो तरह के एसिड को मिला करके बनता है, और ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक्वारेजिया क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको जानना चाहिए। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया, ठीक है, ये क्या है, जरा ध्यान से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इन रेशियो ऑफ 3:1, इन
ratio of 3:1. Form a solution. Solution called aquaregia. Aquaregia. ठीक है, ये हाईली कोरोसिव मटेरियल सॉल्यूशन होता है जो कोरोजन करता है, और इसमें कैपेसिटी ये होती है कि इनको अगर 3 यानी HCl को तीन पार्ट और HNO3 के नाइट्रिक एसिड के एक पार्ट मिला दें और ये दोनों को मिला दें तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, वो कहलाएगा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया ठीक है, और ये गोल्ड को भी ये पिघला देगी पूरी तरह से, गोल्ड को पूरी तरह से ये मेल्ट कर देंगे। लेकिन अगर अलग अलग इनको कहा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी गोल्ड को मेल्ट कर दो तो उसके बस का नहीं है, नाइट्रिक एसिड को भी कहा जाए तो उसके बस का नहीं है, लेकिन दोनों को मिला के 3:1, ये याद रहे कि तीन भाग उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक भाग नाइट्रिक एसिड होना है, होना चाहिए, ये मिला के एक सोल्यूशन बना दिया जाए तो गोल्ड को भी मेल्ट कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज यहाँ तक आज समझ आ गया होगा, और अगली क्लास में जब हम बात करेंगे तो हम बताएंगे आपको रोड और उसके एक्सट्रैक्शन मेटल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस।